तो साथियों, आज हम लोग फीडिंग पावर सर्किट के बारे में जानेंगे। फीडिंग पावर सर्किट लोको का मुख्य सर्किट है, जिसके द्वारा डीजे से विद्युत पावर आगे बढ़ते हुए मेन ट्रांसफार्मर में जाती है। ये पूरा फीडिंग पावर सर्किट 25 केवी की 25 वोल्टेज पर बना रहता है। इसमें देखते हैं कैसे सप्लाई आगे जाती है। अपने लोको में दो पेंटो लगे हैं, PT1 और PT2। जो भी पेंटो हम सेलेक्ट करेंगे वो पेंटो उठेगा। मान लीजिए हमने PT1 लिया तो PT1 उठेगा, और इसके बाद SPT लिंक रोपार के द्वारा सप्लाई आएगी सीधे डीजे को। SPT लिंक और उसके द्वारा सप्लाई अपनी आई डीजे को। डीजे हमारा ये पेंटो से आई SPT लिंक के द्वारा इधर यह डीजे पे, यहाँ पे आ गई यह डीजे। डीजे से सप्लाई QLM रिले हमारी इस फीडिंग पावर सर्किट, पूरे फीडिंग पावर सर्किट की ओवर करंट से सुरक्षा के लिए लगाई गई है QLM रिले। तो डीजे के बाद QLM रिले को सप्लाई से होते हुए मेन ट्रांसफार्मर पे आ जाती है। ये मेन ट्रांसफार्मर पे आई। इसके बाद ये हमारा GR है, इसमें 32 नोच होते हैं, 0 से 32 तक ये दिखाए गए हैं, 0, 1, 2, 3, 31, 32। इसके दो रिंग हैं, आउटर रिंग और इनर रिंग, दो रिंग होती हैं, तो ट्रांसफार्मर से आउटर रिंग को आती है। जब हम टैप MP के द्वारा GR को चलाते हैं, पहले नोच दूसरे नोच जिस तरह आगे बढ़ाते हैं उस हिसाब से CGR 1, 2, 3, ये जो हमारे कॉन्टेक्टर लगे हैं CGR 1, CGR 2 और CGR 3, ये तीनों कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं और इनसे सप्लाई TFP ट्रांसफार्मर को जाती है। TFP ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें TFP1 और TFP2 दो वाइंडिंग होती हैं, जो RSI ब्लॉक नंबर 1 और RSI ब्लॉक नंबर 2 को सप्लाई देते हैं। आउटर रिंग को सप्लाई आने और इनर रिंग को सप्लाई मिलने के बाद जब हम GR 0 पे होता है, जब GR 0 पे होता है तो हमारे CGR 2 और 3 क्लोज होते हैं। CGR 2 और 3 GR 0 पे क्लोज होते हैं, जिससे सप्लाई हमारी TFP को जाती है। GR 0 या सम नोच पे होगा तो CGR 2 और 3 क्लोज होते हैं। अगर विषम नोच पे होगा, जब भी हमारा GR विषम नोच यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 पे होगा, तो ये हमारा सप्लाई इस तरह CGR 1 क्लोज होगा और इस तरह यहाँ हो जाएगी। लेकिन जब सम नोच पे होगा तो सप्लाई इस तरह इधर ये जाएगी और ये दोनों क्लोज होंगे और ये सप्लाई हमारी TFP को जाती रहेगी। लेकिन जब हमारा GR बिटवीन नोच पे होगा, जब बिटवीन नोच पे होगा किसी भी दो टैप के बीच में होगा, तो CGR 2 क्लोज होता है। CGR 2 क्लोज होके ये सप्लाई हमारी TFP की सप्लाई यहाँ से ये इस तरह जाएगी, यहाँ से ये क्लोज होगा और ये इस तरह सप्लाई जाएगी CGR 2 क्लोज होने पर। इस तरह सप्लाई जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कि सम नॉच पर सम नोच पर हमारा सम या जीरो नोच पर CGR 2 और 3 क्लोज होता है और विषम नोच पर CGR 1 क्लोज होता है, और बिटवीन नोच किसी दो टैप के बीच में CGR 2 क्लोज होता है और सप्लाई TFP को जाती है। TFP से सप्लाई TFP 1 और TFP 2 को जाती है, जिससे RSI ब्लॉक 1 नंबर 1 TFP 1 से जिससे TM 1, 2, 3 को सप्लाई मिलती है, और TFP 2 से TM 4, 5, 6 को सप्लाई मिलती है। अब इसमें लगाए गए हैं कुछ चीज़ें, जैसे HPT लिंक। HPT लिंक का काम यह होता है कि जब हमें किसी पेंटो को आइसोलेट करना होता है, आइसोलेट करके ग्राउंड करना होता है, तो हम इस HPT लिंक को रूप बार से की तरफ से खोल के ग्राउंडिंग क्लिप में फंसा देते हैं, जिससे हमारा पेंटो ग्राउंड हो जाता है। ऐसी कंडीशन तब आती है जब हमारा किसी वजह से पेंटो टूट जाता है। इसके बाद लगाया गया है डीजे। डीजे इस पूरे फीडिंग पावर सर्किट या हमारे पूरे लोको का मेन सर्किट ब्रेकर है, मेन स्विच की तरह काम में आता है। इसके बाद लगाया गया ET1।
ET1 का काम यह है, इस ET1 का काम यह है कि ये ET1 का काम यह है कि ये हमारा सर्च अरेस्टर की तरह काम करता है। जो सर्च होती हैं, सर्च अरेस्टर जो आसमानी बिजली का हैवी वोल्टेज होता है उसको ये अर्थ कर देता है। इसका गैप 210 mm का होता है, लोगों की छत पे लगा होता है। इसी तरह का ET2 एक लगाया गया है जो लोको में सर्च होती हैं। डीजे के बाद जो लोको में सर्च होती हैं उसको सर्च अरेस्ट करके ये ग्राउंड करता है। ये इसका काम है ET2 का। इसका गैप जो होता है वो 105 mm, इसका गैप 105 mm और इसका गैप 210 mm होता है। ठीक, इसी तरह लगाया गया है अपना एच ओ एम हैंडल। एच ओ एम हैंडल का काम यह है जब लोगों को ग्राउंड करना होता है, एच ओ एम हैंडल जब लोगों को ग्राउंड करना होता है तो हम ZPT को बीवी बॉक्स में लगाते हैं। बीवी बॉक्स में 4 बजे की पोजीशन पे लगाते हैं और 7 बजे की तरफ घुमाते हैं, तो एच ओ एम हैंडल बीवी बॉक्स में लगा होता है, वो फ्री हो जाता है और उसको नीचे से उठा के 180 डिग्री जब ऊपर उठा देते हैं तो लोको ग्राउंड हो जाता है, हमारा लोको ग्राउंड हो जाता है। हाई टेंशन कंपार्टमेंट में जाने के लिए या छत पे जाने के लिए हम लोको को ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड करने के लिए इस एच ओ एम हैंडल का उपयोग करते हैं। ठीक, अब अगला है अपना पार्ट GR। ये अपना GR लगा है। GR का काम यह है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जो 32 स्टेप में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें टैप चेंजर एक एक स्टेप ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेके TFP ट्रांसफार्मर की TFP वाइंडिंग को देता है, TFP के प्राइमरी वाइंडिंग को देता है, जिससे हमारे ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज घटता है बढ़ता है। इसके बाद लगाई गई है QLM। QLM हमारे फीडिंग पावर सर्किट की ओवरऑल पूरे फीडिंग पावर सर्किट की ओवर करंट से सुरक्षा करती है। जब भी किसी वजह से अगर ओवर करंट होता है तो QLM ड्रॉप होके डीजे को ट्रिप करा देती है। QLM अगर अकेले ड्रॉप होती है तो अपने यहाँ NCR में उसको रीसेट नहीं करना है, और अगर QLM किसी दूसरी रिले के साथ ड्रॉप होती है तो रीसेट करना है, और उस दूसरी रिले जो इसके साथ ड्रॉप हुई है उसकी ट्रबल शूटिंग TSD के अनुसार करेंगे। और अगर QLM दूसरी रिले के साथ दोबारा ड्रॉप होती है तो भी इसको रीसेट नहीं करना है, TLC को इन्फॉर्म करना है पूरा लोको चेक करने के बाद। इसके बाद लगाए गए हैं RGR और RPGR। RGR का काम यह है कि जब टैप चेंजर हमारा किसी दो टैप के बीच में होता है तो उसकी फ्लैशिंग को रोकने के लिए RGR एक रेजिस्टेंस सर्किट में आता है। RGR रेजिस्टेंस सर्किट में आता है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, ये 1.6 ओम का रेजिस्टेंस होता है, 1.6 ओम का रेजिस्टेंस होता है, और जब दो टैप के बीच में हमारा GR होता है किसी दो टैप के बीच में तो CGR2 क्लोज होता है और 1.6 ओम का एक रेजिस्टेंस सर्किट में आता है जिसे RGR कहते हैं, और ये एक इस तरह से GR की सुरक्षा भी करता है। दूसरा है RPGR। RPGR ये GR का परमानेंट रेजिस्टेंस है। जब GR एक टैप को छोड़ के दूसरे टैप में जाता है तो छोड़ते समय, पहले टैप को छोड़ते समय या दूसरे टैप को पकड़ते समय कुछ फ्लैशिंग होती है जिसको रोकने के लिए RPGR एक परमानेंट रेजिस्टेंस सर्किट में आता है जिसका ओम है 1 लाख ओम। 1 लाख ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में आता है, 1 लाख, जिसको RPGR कहते हैं। तो ये भी GR की सुरक्षा के लिए काम में आता है। इस तरह हमारी सप्लाई CGR 1, 2, 3 के सीक्वेंस में क्लोज होने के साथ TFP को जाती है, TFP से TFP1 और TFP2 को सप्लाई जाती है। तो ये था फ्रेंड्स अपना फीडिंग पावर सर्किट। इसमें फीडिंग पावर सर्किट में एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि
जीआर की सुरक्षा के लिए क्या क्या लगाया गया है। तो जीआर की सुरक्षा के लिए इस सर्किट इस अपने लोको में जीआर की सुरक्षा के लिए हैं, पहले तो डीजे कंट्रोल सर्किट में 3 रिले लगाई गई हैं, Q44, Q45 और Q46। Q44 रिले बिटवीन नोच पे जीआर फंस जाए उससे सुरक्षा के लिए Q44 रिले लगाई गई है। Q45 रिले डीजे क्लोज होते समय जीआर 0 पे हो इसलिए Q45 रिले लगाई गई है। Q46 रिले जब जीआर किसी नोच पे MP0 पे और जीआर किसी नोच पे MP on 0 जीआर ऑन नोचेस तब Q46 रिले इनर्जाइज होती है और Q118 और Q44 के द्वारा डीजे को ओपन करती है। इस तरह ये तीनों रिले जीआर की सुरक्षा करती हैं, Q44, Q45 और Q46। इसके बाद दो रेजिस्टेंस हैं अपने जो जीआर की सुरक्षा करती हैं, वो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये RGR और RPGR जो अभी हमने बताया है आपको। RGR 3 और 2 इसके साथ दो आर लैंप हमें बताता है कि जीआर कितने किसी नोच पे है या जीआर 0 पे आ गया है, जीआर 0 पे है या नहीं है। तो इस तरह ये हमें जीआर की जानकारी देता है जिससे हम जीआर की सुरक्षा करते हैं, तो इसको भी जीआर की सुरक्षा में शामिल किया गया है। तीसरा है PHGR। PHGR एक पंप है जो जीआर के तेल को एक स्टेनर होता है जो छन्नी एक होती है वो उस फिल्टर में डालता है उठा के पंप, जिससे कि इसमें जो पार्टिकल कापर के पार्टिकल जो निकलते हैं, क्योंकि जीआर के टैप हमेशा जीआर का टैप घूमते रहते हैं और उससे पार्टिकल निकलते हैं, तो उसके ऑयल में जो इकट्ठा होते हैं मिलते रहते हैं, तो उसको उठा के एक छन्नी में डाला जाता है। उस छन्नी में डालने के लिए एक पंप लगाया गया है, उस पंप का नाम है PHGR। PHGR पंप को चलाने के लिए एक EV PHGR इलेक्ट्रोवाल्व लगाया गया है। EV PHGR या PHGR पंप 5 नोच के बाद काम करता है और काम काम करके उसके तेल को छन्नी में डालता है, छानने के काम आता है, जिससे जीआर की सुरक्षा होती है। इस तरह 7 चीज़ें जीआर की सुरक्षा के लिए लोको में लगाई गई हैं। एक बार फिर से उनका नाम ले लेते हैं, रिले Q44, रिले Q45, रिले Q46, रेजिस्टेंस RGR, रेजिस्टेंस RPGR और पंप PHGR पंप और